So this is chapter 4, class 9, science, structure of atom, and revision is going on. One by one you will read from the text which I am sharing. So any one of the student will start reading. आप में से कोई भी एक बच्चा इसको रीड करना स्टार्ट करे. दिस इज स्ट्रक्चर. स्क्रीन इज शेयर्ड बेटा. द स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू. नो मैम. यस मैम. इट्स नॉट शेयर्ड. आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट मैम. यस. सो स्क्रीन इज शेयर्ड. यू विल बी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड. यहां से पढ़ना है. कोई भी एक पढ़ सकता है. हम एनसीईआरटी से रिवीजन कर रहे हैं. हमने पावर पॉइंट से ऑलरेडी समझ चुका है ये चैप्टर. इसका लास्ट टॉपिक आइसोटोप्स और आइसोबार्स होता है. और फर्स्ट में इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं. अलग अलग साइंटिस्ट ने जो भी मॉडल्स दिए हैं वो बताए जाते हैं. तो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस. वन बाय वन वी विल बी रीडिंग एंड डिस्कसिंग. In chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. Now the question arises, first, what makes the atom of one element different from the atom of another element? And second is, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there similar constituents inside the atom? We shall find out the answers to these questions in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. यहाँ पर हमने देखा कि existence matter की जो existence है वो atomic level पे है और atom एक element का होता है and atom indivisible है. ये हमने third chapter से ही समझ लिया है. एंड डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है अपनी और उसने ये बताया है कि हम हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो एटम्स के फॉर्म में हैं प्लस जो कॉम्बिनेशन के लॉज हैं वो भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट से पॉस्पलेट से समझ में आते हैं. वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज विद इन द एटम. ठीक है. हम यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ज्यादातर समझेंगे बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का क्या स्ट्रक्चर है. एटम के सारी चीजें हम इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था बट एटम का क्या स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. तो अब यहाँ से हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. कोई भी एक बच्चा पढ़ो सेकंड पैराग्राफ. Any one of you will read from a major challenge. Yahan se second paragraph padho. A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. The elucidation of the structure of atoms is based on a series of experiments. On the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. Okay, so major challenge jo hai before the scientist at the end of the 19th century. Ek major challenge hai scientist ke samne 19th century ke end mein ki kya tha ki reveal karna structure of atom as well as usko explain bhi karna uski properties ko. So elucidation of structure of atom is based on series of experiment. तो एक सीरीज चल गई एक्सपेरिमेंट्स की जिन्होंने ये प्रूफ किया कि क्या स्ट्रक्चर होता है एटम का. वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट डिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस. और जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो किस पे रिलेटेड था कि एटम इंडिविजिबल होता है ये उससे ही पता चला था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया गया था और ऐसी कंडीशन को स्टडी किया गया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी जा सकती है अलग अलग सब्सटेंसेस से. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है विच इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द चार्जेस एट रेस्ट. सो हम जनरली क्या समझते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज करंट है पर चार्जेस रेस्ट में होकर भी
करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं रेस्ट में भी. आपने पहले जूनियर सेक्शन में पढ़ा है, स्केल लेते हैं हम, स्केल को फिर अपने हेड से रब करते हैं और हेयर्स है हेड पे, तो उससे रब करके और फिर जब हम छोटे छोटे साइड में पीसीज ऑफ पेपर्स को उठाते हैं स्केल से जो रब किया था, तो वो पीसीज ऑफ पेपर क्या होते हैं यहाँ पर लाने पर इस स्केल को इसके पीसेज ऑफ पेपर के पास ये इससे अटैच करा लेता है स्केल, ये पीसेज ऑफ पेपर यहाँ यहाँ चिपक जाएंगे. तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों अटैच हुए ये, बिकॉज ये रेस्ट में रखे हुए थे पीसेज ऑफ पेपर, इनके ऊपर भी स्टैटिक चार्ज था, इसके स्केल के ऊपर भी यहाँ स्टैटिक चार्ज आ गया रब करने के बाद, तो दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो पेपर उठ गए. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है, रेस्ट में चार्ज जो होते हैं उनकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो इनसे भी पता चला कि स्टैटिक चार्ज आए कैसे, मैटर के एटम की वजह से ही आते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी वजह से ही स्टैटिक चार्जेस बनते हैं. यहाँ से पढ़ना है फ्रॉम दीज एक्टिविटीज फ्रॉम द Read from the next para. From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle. The electron identified by J.J. Thomson even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and call them canal rays. These rays were positively charged. From this activity से जो paper strip उठाने वाली activity है, उससे हमें पता चला कि paper में भी और scale में भी किसी न किसी एक rubbing की वजह से charges जो थे वो एक alignment हुआ उनका, एक line में आए वो charges और उन्होंने एक दूसरे से attraction या repulsion show किया, attraction show किया, ठीक है. ये question आता है, ये answer किया जा सकता है कि एटम तो इंडिविजिबल है बट उसके अंदर कैसे पार्टिकल्स हैं, एटम टूटता तो नहीं है बट उसके अंदर कैसे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्लस चार्ज के माइनस चार्ज के पार्टिकल उसमें होते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया रिवीलिंग प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम. इट इज नोन बाय 1900 दैट द एटम इंडिविजिबल पार्टिकल कंटेन एटलीस्ट वन सबएटॉमिक पार्टिकल, जिसमें जे जे थॉमसन ने सबसे पहले ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन. इट इज आइडेंटिफाइड एज अ इलेक्ट्रॉन इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड. ई गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज कॉल्ड कैनाल रेज. तो गैस डिस्चार्ज के अंदर ई गोल्डस्टीन ने भी एक नए रेज को डिस्कवर किया जिन्हें कैनाल रेज कहा गया और बोला गया कि ये जो रेस थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन की वजह से बनी थी और ये डिस्कवरी किया इन्होंने पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का, जिसे प्रोटोन यहाँ नाम नहीं दिया बट पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, प्रोटोन. अब हम दो लोगों को डिस्कवरी से प्रोटोन की रिलेट करते हैं, ई गोल्डस्टीन को भी करते हैं, पर ई गोल्डस्टीन का नाम कैनाल रेस की डिस्कवरी के लिए ही आता है, प्रोटोन की डिस्कवरी के लिए बोलते हैं रदरफोर्ड, ठीक है. तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना. हालांकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है ई गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने बाद में किया था, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने किया है डिस्कवर, बट ये तभी सही होगा अगर ऑप्शन में होगा कैनाल रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, तब बोलेंगे ई गोल्डस्टीन, और अदरवाइज अगर पूछेंगे डायरेक्टली कोई पूछेगा तो रदरफोर्ड ही बताना है, ठीक है. जे जे थॉमसन बताना है. नेक्स्ट, द सब एटॉमिक पार्टिकल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट साइन टू द इलेक्ट्रॉन. ये था सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर था बट उसका साइन
नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन से उसका अपोजिट साइन था, यानी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन होता है, तो प्रोटॉन का साइन क्या है, पॉजिटिव. इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम, और उसका मास क्या था, ज्यादा था, 2000 गुना इलेक्ट्रॉन से. प्रोटॉन की बात हो रही है, एंड इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज एज प्लस 1. 1 यूनिट लिया जाता है प्रोटॉन का मास. अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज माइनस 1. नेग्लिजिबल मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है, लर्न होनी चाहिए. माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस वन, नेगेटिव वन, ठीक है. पी प्लस लगाया है ना, पी प्लस का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, तो यानी वन चार्ज है. माइनस नहीं है वो, माइनस है, माइनस समझते हो तुम, माइनस साइन नेगेटिव. साइंस में थोड़ा सा साइंस के ही सोचोगे तभी समझ में आएगी साइंस. नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना है, इट सीम्ड दैट एन एटम, यहाँ से पढ़ो, कौन पढ़ेगा यहाँ से, एनीवन फ्रॉम द क्लास कैन रीड, यस, इट सीम्ड दैट, यहाँ से पढ़ना है. एटम वाज कंपोज्ड ऑफ, एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off, but not protons. Now the big question was, what sort of structure did these particles of the atom form? We will find the answer to this question below. क्या समझ में आया कि एटम कंपोज्ड ऑफ, अब दो चीजें पता चल गई, प्रोटॉन है एटम में और इलेक्ट्रॉन है, ये म्यूचुअली बैलेंसिंग है. क्या है ये, म्यूचुअली बैलेंसिंग, ये अपने चार्ज को म्यूचुअली बैलेंस कर रहे हैं. इट आल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, और ये भी पता चला कि प्रोटॉन कहाँ पर है, एटम के इंटीरियर में होते हैं. और वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड इजीली बी रिमूव्ड ऑफ, नॉट प्रोटोन्स, इलेक्ट्रॉन तो ईजिली रिमूव हो सकते हैं पर प्रोटोन्स रिमूव नहीं होते, क्योंकि डीप में, इंटीरियर में किस में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, हमने आगे पढ़ा है ना, न्यूक्लियस में होते हैं. नाउ बिग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि वट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म. अब इन सब पार्टिकल के साथ एटम कैसा स्ट्रक्चर बनाता होगा, या ये कहाँ पे होते होंगे, ये है, वी विल फाइंड आंसर. हम आगे आगे पैराग्राफ में ये जानेंगे कि कहाँ पर है. यहाँ पे जो एक्टिविटी दी थी ये मैंने स्केल और पेपर की बताई थी, यहाँ पे कोम्ब और ड्राई हेयर की और रबिंग का ग्लास रॉड की भी बताई है, दो की बताई है, ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है. बलून के पास लाओगे तो बलून को ये अटैच करिए, बलून को वैसे भी फुला के अपने सिर से रगड़ के और दीवार पे चिपकाओ तो चिपकता है ना, वो भी स्टैटिक एक्टिविटी की, स्टैटिक उससे होता है चार्जेस की वजह से. अब क्वेश्चन है व्हाट आर केनाल रेज, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है. केनाल रेज क्या होती हैं, और इनका आप देख सकते हो डायग्राम केनाल रेज का किसी बुक में, हेल्प बुक में आप चेक करो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा. यहाँ नहीं दिया एनसीईआरटी में, पर केनाल रेज डिस्कवरी प्रोटॉन से रिलेटेड है, ये इसका ट्यूब का, ये इसका पूरा होता है डायग्राम, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है. इस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा रखा है, एनोड लगा रखा है, कैथोड लगा रखा है, और हाई वोल्टेज जनरेटर है, ग्रीन ग्लो दिखता है पॉजिटिव की तरफ ट्यूब में, जब करंट इससे बहाते रहते हैं, एयर एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है. कैनाल रेज है, केनाल रेज, ठीक है. यहाँ पर दिया हुआ है, दीज आर द रेज ऑफ रेडिएशन विच इमर्ज इन अ ट्यूब विच हैज बीन डिस्चार्ज्ड एंड हैज प्रॉपर्टी ऑफ लो प्रेशर विद हाई वोल्टेज,
high value condition while conducting experiment on gas discharge. 1896, German physicist G.E. Goldstein discovered if the cathode used is perforated, luminous stream appear. Luminous stream appeared in the tube behind the cathode. कैथोड के पीछे कुछ चमकती हुई ग्लो दिखता है. Luminous मतलब emitting the light, producing the light. ऐसी radiation produce होती है कैथोड के पीछे. These streams were called canal rays. इन्हीं स्ट्रीम को canal rays बोला गया. These are radiation which is positively charged. कैसी radiation थी? Positively charged थी and was key in the discovery of proton. Another positively charged subatomic particle. The discharge tube contained by Goldstein is shown in figure. And the beam of rays which travel in the direction away from the anode towards the cathode. When gas is taken in a discharge tube subjected to the action of high voltage and low pressure is known as canal rays. कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं? They were traveling in the direction away from the anode towards the cathode. कैथोड की तरफ जा रही थी, ठीक है, एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही थी. ये प्रॉपर्टीज हैं कैनाल रेज की. दीज आर द प्रॉपर्टीज. दीज आर द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्रीन ग्लो बिहाइंड द कैथोड. ऐसे करके बता देंगे इसको, ठीक है. दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन. ये बताना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती है प्रोड्यूस्ड ना, किस में प्रोड्यूस हो रही है? डिस्चार्ज ट्यूब में कंटेनिंग गैस. जिस ट्यूब में गैस है लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे, इस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है. दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. देयर डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेस. कैथोड रेस से अपोजिट है इनका डिफ्लेक्शन, ठीक है. यानी दो तरह की रेज है, एक कैथोड रे भी होगी जो कैथोड से निकल रही होगी. ये कहाँ से निकल रही है? एनोड से. और जा किसकी तरफ रही है? कैथोड की तरफ. और ये गैस को भी आयोनाइज कर देती है जब वो पास होती है वहां से. एंड द पॉजिटिव आयन अट्रैक्टेड टू कैथोड पास थ्रू द होल्स एंड इमर्ज्ड ऑन द साइड एज अ पॉजिटिव I heard this story just the other day. This guy had 10 years of depression, mental health issues, anxiety. Charged particles in matter. In this module, you will learn about the charged particles in matter and their discovery. You might have observed that after rubbing a balloon against air, it sticks to the wall. Can you guess why this happens? It happens due to the development of opposite charges on the balloon and the wall. These opposite charges attract each other. Charges on these two in turn develop due to the charged particles present in them. Such charged particles are present in every matter. Now let us see where actually these charged particles are present inside matter. And what are these? Matter is made up of atoms. So, it is the atom which has these charged particles. When positively charged, these are known as protons. When negatively charged, these are known as electrons. Now that we know what these are, it is also important for us to know by whom they were discovered and how. That is for the discovery of the electron goes to Sir J.J. Thomson. An experiment that helped him discover this was the cathode ray tube experiment. The setup of the experiment consisted of a glass tube containing a gas and two electrodes at its two ends connected to a battery. Gas inside the tube had a very low pressure, which was maintained with the help of a vacuum pump. On passing the electric discharge, the rays called cathode rays were produced, which were attracted towards the positively charged plate.
As these were attracted towards the positively charged plate, these were supposed to be made up of the negatively charged particles, which were named by Sir J.J. Thomson as electrons. So this is how the negatively charged particles were discovered. Since atoms are neutral, it was concluded that some positively charged particles must also be present in the atoms. These positively charged particles were later discovered by Goldstein in 1886 as protons. देखा आपने कैसे वीडियो में कैथोड रेस पहले बताया, ठीक है? कैथोड रेस क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी, तो वो किस नेचर की होनी चाहिए? दे वर बी ऑफ नेगेटिव नेचर, बिकॉज वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी? ये पहले कैथोड रेस की बात बता रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत करना कैनाल रेस की, अभी बताएंगे इसके बाद, ठीक है? यहाँ पे क्या किया गया है, ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड ली गई है, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है वैक्यूम पंप से। दो इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें गैस भरी हुई है, इस पे वोल्टेज डाल रहे हैं बहुत ज्यादा हाई, तो क्या हो रही है, ये गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, उन चार्जेस की वजह से आयोनाइज हो जा रहे हैं, उसके मैटर क्या हो रहा है, आयोनाइज हो जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, और एक स्ट्रीम बना रहा है पार्टिकल्स की, समझ रहे हो, स्ट्रीम बना रहा है पार्टिकल्स की। तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तभी तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा वो पार्टिकल्स, तो वो ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी इसके बाद गोल्डस्टीन का कैथोड रेस का दिखाएंगे, सॉरी कैनाल रेस का दिखाएंगे, वो पढ़ना है आपको उसके बारे में। Which were named by Sir J.J. Thomson as electrons. So this is how the negatively charged particles were discovered. Since atoms are neutral, it was concluded that some positively charged particles must also be present in the atoms. These positively charged particles were later discovered by Goldstein in 1886 as protons. The experiment set up for the discovery of protons was similar to the cathode ray tube experiment we saw before. The only difference was that Goldstein took perforated cathode in the middle and the fluorescent screen at the other end. On passing the electric discharge, the rays were observed, which traveled in the direction just opposite to the cathode rays. These were named as canal rays and they passed from canal-like holes. As the direction was just opposite, it was concluded that these must be made up of some positively charged particles. These positively charged particles were nothing but the protons. So now we know all atoms have two types of charged particles that are electrons. समझ में आया, उसने जो कैथोड लिया वो perforated लिया, उसमें छेद छेद से लिए और उसे बीच में रखा है, ये चेंज किया है, और जब ये सारा सेटअप में वापस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, गैस वैसे ही आयनाइज हो रही है, पर अब कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में एक और रेस भी आ रही है जो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, तो और वो उससे अपोजिट में जा रही है, इसका मतलब उसका जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। कैथोड का नेगेटिव स्ट्रीम सा है तो इसका पॉजिटिव स्ट्रीम से है, तो इसलिए दो तरह के पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, और फिर उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझा गया। Now compare some of the features of these particles. The charge of an individual electron is minus 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, whereas it is plus 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb for protons. बस sign change हुआ है, ठीक है? बाकी equal क्या है? Charge equal है, sign change हुआ है. Minus 28 gram for an electron and 1.672 into 10 raised to the power minus 24 gram for a proton. Moreover, an electron deflects towards the positive field and away from the negative field, and a proton deflects towards the negative field and away from the positive field. Now, let's recap. Every matter has charged particles. In matter, the charged particles are present in the constituent atoms. Each atom has two types of charged particles, electrons with a negative charge and protons with a positive charge.
Electrons were discovered by Sir J.J. Thomson, and protons were discovered by E. Goldstein. यहाँ पर आपने ये समझ लिया एंड नाउ वी विल कम बैक टू आवर एनसीईआरटी. ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा सही से समझ में आया होगा, आई होप सो. ठीक है, नेक्स्ट, इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एन चार्ज और नॉट. सेकंड क्वेश्चन, हु विल टेल मी आंसर. You will tell me the answer of this question. अगर किसी एटम में वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटोन है तो विल इट कैरी एन चार्ज और नॉट. मैम नो. नो. Why? Because बैलेंस होता है. ठीक है, इसका बैलेंस हो जाएगा. Now the structure of an atom. इसको पढ़ेंगे, structure of an atom. Anyone of you will read it? Any student from the class can read the structure of the atom. हम बुक से रीड कर रहे हैं और साथ में ही रिवाइज कर रहे हैं. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggests that the atom was individual and indestructible. मतलब destroy नहीं हो सकता. Indivisible, डिवाइड नहीं हो सकता. इनडिस्ट्रक्टेबल मींस डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता. ओके मैम, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इट वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी टू नोन हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. फॉर explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. J.J. Thomson ने Dalton atomic theory का ये खराब होने के बाद postulate कि indestructible है, indivisible है, क्योंकि proton और electron की discovery हो गई थी. यानी atom break हो पाया और उसमें कौन से particle से बना था atom? थॉमसन ने कैसे प्रपोज किया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन जैसा मॉडल. ठीक है, कि जिसमें पूरा पॉजिटिव रेड कलर का जो वाटरमेलन होता है उसमें पूरा पॉजिटिव सब जगह पॉजिटिव चार्ज रेड कलर के पल्प के फॉर्म में, और नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, बीजों के फॉर्म में, जो कहीं पे भी बीज उसमें रहते हैं भर के. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर है और पॉजिटिव चार्ज सब जगह भरा हुआ है. वो ये बोलता था केक की तरह, जैसे केक की पूरी वो होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें डलती हैं, सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं और ब्रेड का और उसका वो बनता है. ठीक है, अब थॉमसन मॉडल पढ़ो. यू विल रीड थॉमसन मॉडल. थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स ड्राइव फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड edible part of the watermelon. While the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. So Thomson ne ye model bataya atom ka to be similar to the Christmas pudding. The electron in a sphere of positive charge were like currants. Thai fruits ki tarah lagta hai ye. Christmas ke bhi to hum banate hai na, Christmas cake jo banta hai uske andar dry fruits wagera sab padte hain. स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग भी बनती है उसकी तरह, या फिर वाटरमेलन की तरह बोल सकते हैं कि सीड्स तो किसकी तरह काम कर रहे हैं, नेगेटिव की तरह, एंड पूरा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव, एडिबल पार्ट पॉजिटिव है. तो ऐसा मॉडल थॉमसन ने दिया था. और यहाँ जे जे थॉमसन के और एक पैराग्राफ दिया है कि वो ब्रिटिश फिजिस्ट था, हिल में मैनचेस्टर में वहाँ बॉर्न हुआ था 18 दिसंबर में, एंड
नोबेल प्राइज उसे मिला है फिजिक्स के लिए 1906 में अपने वर्क के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 years एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वन नोबेल प्राइजेस के 7 उन्होंने नोबेल प्राइज इसके भी जूनियर्स ने नोबेल प्राइज पाया है. ठीक है, तो ऐसे होता है. आगे थॉमसन ने और क्या प्रपोज किया था, रीड करो इसे कोई भी एक बच्चा. रीड इट, रीड दिस. थॉमसन प्रपोज्ड दैट. व्हाट वाज द प्रपोजल ऑफ थॉमसन? 2 points. Thomson proposed that first, an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Second, the negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. तो पहला point तो यही बोला कि positive charge sphere होता है और electron उसके अंदर होते हैं. और दूसरा पॉइंट बताया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम भी न्यूट्रल होगा. ऑल्दो थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन किया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. पर दूसरे साइंटिस्ट के जो रिजल्ट्स थे वो इस मॉडल से वो नहीं होते थे, वेरीफाई नहीं हो रहे थे. पढ़ना है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम रीड इट. एनीवन एल्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अलावा भी और पढ़ सकते हैं, तरुण, गरिमा, मानसी, निहारिका, कोई भी पढ़ सकता है. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. In his experiment, fast-moving alpha A particles were made to fall on a thin gold foil. First, he selected a gold foil because he wanted as thin layer as possible. This gold foil was about 1,000 atom thick. Second, A particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4U, the fast-moving A particles have a considerable amount of energy. Third, it was expected that A particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the A particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. पर हमने ये देखा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया. उसने बहुत पतले से पतला गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया. देखा कि ये गोल्ड फॉइल के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं. तो ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल क्योंकि वो पतला लेयर लेना चाहता था, 1000 एटम का थिक, एक एक एटम उसमें 1000 गोलों के रूप में अरेंज्ड था पूरा. एंड अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज हीलियम आयंस थे जिनका मास 4U था एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उसने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसको फॉल करवाया उसके ऊपर. एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सिंस अल्फा पार्टिकल्स वाज मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन. तो उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, पर उस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन क्या हुई उसको देखकर उसने उसको नोट डाउन किया कि उसके एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन हुई. अभी जो सर्कल्स हैं ये सब गोल्ड के एटम्स हैं एंड अल्फा पार्टिकल एरोस की तरह जो लाइंस जा रही हैं वो अल्फा पार्टिकल्स की लाइंस हैं. कहीं पर वो लाइंस स्ट्रेट गई हैं, कहीं पर वो लाइंस डिफ्लेक्ट हुई हैं. तो यहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हो जैसे डिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर भी ये वाली लाइन भी डिफ्लेक्ट हुई है ऐसे करके. एंड ये आप देखोगे बहुत कम ऐसी लाइन है जो डायरेक्टली 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट होंगी कुछ लाइंस, और जो एम्प्टी स्पेस से जा रही है वो सीधी चली जाती है.
ये भी सीधी गई है, ये सबसे पहली वाली भी सीधी गई है। तो इनसे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए इस पूरे डायग्राम से, उसको ऐसा इमेज सा मिला थोड़ा बहुत लाइंस का, क्योंकि यहाँ पर उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म भी ली थी, फोटोग्राफिक फिल्म रखी थी, कितने पार्टिकल्स आ पाए कितने पार्टिकल्स नहीं आ पाए चेक करने के लिए टकरा कर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ये मिली, बट द अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे बाय फॉल बाय स्मॉल एंगल्स, कम से एंगल से, थोड़े एंगल से, एक्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। सरप्राइजिंगली 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ था, मतलब 180 डिग्री से बैक गया था। ठीक है, तो अब इसमें इन अदर वर्ड्स अदर फॉर दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट विल कम बैक एंड हिट्स यू। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि इतने पतले से गोल्ड फॉइल से वो अल्फा पार्टिकल हैवी होने के बावजूद वापस आ रहा है 180 डिग्री पे, ऐसा कौन सा उसके अंदर इतना ज्यादा वो सॉलिड चीज है कि वो अल्फा पार्टिकल को पास नहीं करवा रही, इतनी भारी चीज ऐसी क्या है। तो ज्यादातर जो 180 डिग्री से बाउंड हो रहे थे वो कौन से, वो कहाँ टकराते थे, न्यूक्लियस पे, डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जो टकराते थे, वो न्यूक्लियस यानी बहुत ज्यादा हैवी होता है एटम्स का। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स और न्यूक्लियस बहुत कम जगह में होता है, तो इससे उसे बहुत सारी चीजें पता चली रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वो स्प्रिंग ग्रूव में पैदा हुआ था एंड ही नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर है, इज फेमस फॉर हिज वर्क और रेडियो एक्टिविटी के लिए भी फेमस है। न्यूक्लियस ऑफ एटम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही गॉट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 1908 में से नोबेल प्राइज मिला। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let us child stand in front of the walls of his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. And if he repeats it 10 times, he will hear the sound 10 times. What if the blindfolded child were thrown a stone at a barbed wire fence? Most of the stones will not hit the fencing and no sound will be heard. This is because there are a lot of gaps in the fence and which allows the stone to pass through them. ठीक है, अगर वॉल पे ये जितनी बार भी पत्थर मारेगा तो वॉल से उसको आवाज आएगी, बट अगर एक पूरा जाल बीच बीच में से खाली खाली स्पेस वाला और जाल वाला उसको एक तार का एक वो दे दिया जाए, नेट दे दिया जाए, उस नेट में से वो पत्थर मारेगा तो बहुत कम चांसेस होंगे उसे बीच बीच में कभी कभी आवाज सुनाई देगी, कभी कभी वो उसके जाल में से पार होके बाहर आ जा चले जाएंगे। तो यही बात यहाँ थी कि देर वॉज लॉट ऑफ गैप्स इन दिस गोल्ड फॉइल एज वेल, गोल्ड फॉइल में भी कहीं कहीं बहुत सारे गैप थे जहां से अल्फा पार्टिकल सीधे भी चले जा रहे थे। कंक्लूजन्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट की, कंक्लूजन्स क्या है, ये तीन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन है। बहुत सारी स्पेस इनसाइड एटम क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए थे बिना डिफ्लेक्शन के, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ में, जिससे पता चलता है पॉजिटिव चार्ज होता है एंड वेरी स्मॉल फ्रैक्शन 180 डिग्री से कॉइल हुए थे, इसका मतलब मास भी गोल्ड एटम का बहुत कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। नेक्स्ट फ्रॉम द डाटा उसने ये बताया कि न्यूक्लियस अबाउट 10^5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, इतने टाइम छोटा है न्यूक्लियस एटम के रेडियस से, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दे दिया। ये न्यूक्लियर मॉडल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में होगा जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, नियरली सारा मास इसी न्यूक्लियस में होगा एटम का, एंड द इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ घूमते रहेंगे सर्कुलर पाथ में, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्टार्टेड कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। हाँ, तो आप ये आपका मॉडल पूरा कंप्लीट हो गया है, ड्रॉबैक हम पहले ही समझ चुके थे पीपीटी से, तो ड्रॉबैक का यही है कि अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर सकते हैं, उसे हिट कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, तो इसके लिए इसके मॉडल को सही किया बोर्स ने। तो बोर का मॉडल हम कल पढ़ेंगे, कल रिवाइज करेंगे, आज हमारा रदरफोर्ड तक हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एंड करते हैं क्लास।